हम लड़कों की जिंदगी का प्रॉब्लम पता क्या है, जब अपनी उम्र की लड़की पटाए तो उसको पता नहीं कौन सा करियर बनाने वाला कुत्ता काट के चला जाता, और जब अपनी उम्र से ज्यादा वाली को पटाए तो उसका मम्मी बनना नहीं हटता। अरे गुफाओं की मालकिन, थोड़ा सा प्यार तो बांटो। अगर अपनी उम्र से भी कम उम्र वाली को पटाओ तो उसके टेंट्रम तो भाई समझ लो कि आप ही को संभालने। उसने गुस्सा आपको दिलाया, माफ आपको करना पड़ेगा, वो भी ऐसे बेबी कोई बात। 30 साल जब उम्र हो जाती है तो फिर सब लोग बोलते हैं लगता है पैसे के लिए शादी की है। हम लोगों ने पूरी जिंदगी तो यही टेंटर में गुजार दी ना, अपने साथ वाली उम्र का, सबसे बड़ी वाली उम्र का और सबसे कम वाली उम्र का, तो करे क्या, इससे शादी कर ले। ये सुकून दे दो कोई जिंदगी में भाई, सुकून दे दो। सुकून की बात तो क्या ही करूं, कुछ लड़के लोग तो भाई बाइक राइडिंग करते हुए ऐसा पोस्ट डालेंगे इंस्टाग्राम पे कि हमने ब्रेकअप के बाद पूरी जिंदगी ऐसे अकेले बता दी, और लड़की ने तो नया रिलेशनशिप भी बना लिया। अरे भोसड़े के टट्टों में दर्द तो तुम्हारे है, उसके थोड़ी है। अगर उसने दूसरी रिलेशनशिप बना ली तो ठीक है, उसको लगा कि तू ही चूतिया एक नंबर का, दूसरी तू पटाया नहीं, तेरी गलती। क्लब में जाके दारू पी के तुम तो जैसे दूसरी लड़कियों के साथ गिद्धा तो डालते नहीं, वो तो कोई और ही कर रहा था मेरे ख्याल से, है ना। और ऊपर से अपनी एक्स को याद करके पोर्न देख के जो रात को ऐसा हिला रहे होते, उसका क्या सीन है। दूसरी टालो लड़की भाई, लकीरें मिट जाएंगी हाथों की। फिर एस्ट्रोलॉजर को आपके हाथ नहीं लंड को देख के बताना पड़ेगा कि किस्मत कहाँ जा रही है आपकी, लंड पे जा रही है। ये एस्ट्रोलॉजर जो ये हाथ वात के तेल देख के बताते हैं कि बॉडी के तेल है, हाथ के तेल आपकी किस्मत क्या बताते हैं, जिसके लंड पे तेल हो उसका क्या सीन है, मेरे को जानने का है। इतनी गर्मी है बाहर, ये जो लड़कियां पोस्ट डाला करती थी इंस्टाग्राम पे सन किस्ड हैं, अब क्या हो गया, कहाँ गायब हो, अब सन का तुमको चुम्मे कर रहा है क्या, एक भी पोस्ट नहीं आ रहा तुम्हारे वैसे करते हुए। एक तो बाहर गर्मी इतनी है कि दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही। फिर सोचा कि चलो इंस्टाग्राम पे जाकर थोड़ा सा लोगों के पोस्ट देख लेता, पर पोस्ट में तो ये इतना मजा नहीं आता। फिर सोचते कि चलो यार कमेंट सेशन में जाकर थोड़ा सा और मजे लूटते हैं, लोगों की मेंटालिटी को चेक करते हैं, पर वहां पे अलग ही चल रहा होता है DM फॉर फन गाइस। और जब इसको मैसेज कर दो कि हाँ आपने वो DM फॉर फन लिखा हुआ था, ला 200 रुपया दे, जब इनको 200 रुपए दे दो फिर वीडियो कॉल करेंगे आपको, जब वीडियो कॉल करेंगे 2 मिनट चलेगा, कॉल कट, 300 रुपया और दे देखो और नंगी होकर दिखा दी भाई, सीधा बोलना तो 1000 रुपए लेके पूरी नंगी होने वाली है। DM फॉर फन गाइस लिख देंगे और खड़े लंड पे धोखा देने वाली बात कर देंगे। गर्मी इतनी हो रही है, सोच रहा हूँ आ ही लेता हूँ, ऊपर से लाइट भी आ चुकी है, जितनी देर आई है जला लेते हैं, वरना गवर्नमेंट के लोग बोलेंगे हमने तो बिजली दी थी आप ही नहीं चलाई, दे ही कब रहे हैं, आधा घंटा लाइट देते हैं 4 घंटे पावर कट हो जाता है। मेरे ना बाल काटने का ना फंक्शन किया था घर पे, तो टेंट वालों को टब था यहाँ पे पड़ा हुआ, मेरी वीडियोस को कोई लाइक नहीं करता है गाइस, मैंने 5 मिनट खड़े होके टैब को चला गया पानी भरा है, मेरी वीडियो को कोई लाइक नहीं करता है, छोटे मोटे क्रिएटर्स की वीडियो को कोई लाइक नहीं करता है गाइस, पूरे 5 मिनट खड़े होके मैं टब को भरा गाइस, अब इसमें नहाऊंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करें। पहले फुटपाथ पे हुआ करता था गरीब लोग, अब तो इंस्टाग्राम के रील्स में भी आने लग गए भीख मांगने के लिए, ये कौन सा टैलेंट होता है। लाइक कर दो, जो भी है जैसा भी है तो मजेदार। खैर आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे YouTube चैनल को।